न्यूजीलैंड सरकार वालों ऑफशोर फसे स्टूडेंटा नूं राहत देण दा ऐलान कीता गया है। इस संबंधी न्यूजीलैंड के एजुकेशन मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस ने मीडिया नूं मुखातिब हुंदिया जानकारी दित्ती है कि न्यूजीलैंड सरकार न्यूजीलैंड इमीग्रेशन नाल रल के अप्रैल 2021 तो उन्हां हज़ार ऑफशोर फसे विद्यार्थियों और उन्हां दे परिवारां दी न्यूजीलैंड वापसी करवाउण दा प्रोग्राम बना रही है, जो ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट स्टडी के अध विच ने जां फिर उन्हां दी पढ़ाई पूरी होने वाली है। उन्हां दस्सिया कि इस प्रोग्राम तहत इन्हां न्यूजीलैंड वापस आउण वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नूं क्वारंटीन होण दे अपने सारे खर्चे खुद चुकने होणगे। सिक्ख्या मंत्री अनुसार इस समुची स्कीम नूं फेज आधारित किया जाएगा, जिस विच स्थितियां अनुसार विद्यार्थियों की वापसी नूं रफ्तार दिती जाएगी। मन्या जा रहा है कि इस समुचे मामले ते एजुकेशन लॉबी वालों सरकार ते लगातार दबाव बनाया जा रहा सी, क्योंकि कोविड दे इस प्रकोप करके $5 बिलियन की इस मंडी नू लगातार खोरा लगना शुरू हो गया है, जिस सदका इस सैक्टर विच काम करदे कामिया दे भविख उपर जिथे संकट है, उत्थे ही बहुत सारे कॉलेज भी आपो अपने बूहियां उपर जिंदे ला चुके ने जां फिर उस कगार ते ने। सरकार दे इस ऐलान नाल इस एजुकेशन सैक्टर नू कुछ उम्मीद दिसनी शुरू हुई है, क्योंकि इस तजवीज़ नाल भावें हौली सही पर रिकवरी होनी जरूर शुरू होवेगी। आर्थिक माहिरां दा मनना है कि हज़ार स्टूडेंट वक्खो वक्खरे वसीलियां नाल न्यूजीलैंड दी इकोनमी विच घट्टो घट $49 मिलियन दा योगदान पाउणगे, जिस विच 27 मिलियन दे करीब ट्यूशन फीस ही होवेगी। इन्ना ही नहीं, सरकार वालों ये भी तजवीज़ लियांदी जा रही है कि जेड़े स्टूडेंट न्यूजीलैंड आउणगे उन्होंने हुण $15,000 की बजाय $20,000 अपने सालाना खर्चे लई न्यूजीलैंड लैके आने पैणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनखीला पंजाब टीवी।